नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प पारित हो गया। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से हमारी पुरातन सनातन संस्कृति से युवा जुड़ेंगे और वेदों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम महंत वैष्णव दास जी के नाम पर होगा, लेकिन नामकरण पर विद्वानों से चर्चा करके ही निर्णय लिया जाएगा। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, सभी भाषाओं में अगर उनके विद्वान जन जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो संस्कृत भाषा में करते हैं, और इसलिए अब छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक धर्म दर्शन सनातन वेद और संस्कृत की पढ़ाई के लिए एक विश्वविद्यालय होगा, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का भी साथ में जो पुराना पौराणिक इतिहास है, आध्यात्मिक इतिहास है, वो भी लोगों के सामने जाएगा और छत्तीसगढ़ की जो गौरवमयी संस्कृति है वो भी जाएगी। और एक संकल्प के माध्यम से अजय चंद्राकर जी ने इसको लाया है, तो मैं निश्चित रूप से मैंने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृत के साथ साथ तुलनात्मक धर्म दर्शन और सनातन और वेद को लेकर जिसके ऊपर में लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सके एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और इसका जो नामकरण है वो महंत वैष्णव दास जी के नाम से है, उनका नाम तो रहेगा ही, साथ में इसके नाम को हम कुछ विद्वत जनों से बातचीत कर इसका नाम क्या रखा जा सकता है उसको हम तय करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के अटैचमेंट को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस अटैचमेंट व्यवस्था से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, इसके कारण दूरस्थ अंचलों में स्टाफ की कमी से आम लोगों को परेशानी होती है, उसे खत्म करना आवश्यक है। अटैचमेंट को लेकर मैंने आज सदन में घोषणा की है कि पूरे के पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के सभी अटैचमेंट हम कैंसिल कर रहे हैं। विशेष रूप से विषम स्थिति में यदि कहीं डॉक्टर है ही नहीं और यदि पर्याप्त कारण है अटैचमेंट करने का, तो उसको अनुमति लेकर अपने से ऊपर के अधिकारी से, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो BMO से लेगा, अगर उससे ऊपर हॉस्पिटल का है तो जिला लेवल से है तो जिला लेवल का होगा, बड़े डॉक्टर हैं तो प्रदेश से लेंगे। अगर विषम स्थिति, चूंकि स्वास्थ्य एक जेनरिक और महत्वपूर्ण आपातकालीन भी सेवा है, कभी भी लग सकती है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर में चल रहे किसानों के आंदोलन और भारत बंद के आह्वान का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं और उन्हें वादा करके केंद्र सरकार पूरा नहीं कर रही है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने किसानों के भारत बंद के आह्वान का भी कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन करने की बात कही। किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है उसके जो मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके उससे पूरी तरीके से सहमत है। किसान समर्थन मूल्य चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की भी यह घोषणा है कि किसानों को उनका समर्थन मूल्य की विधिक गारंटी होनी चाहिए। साथ ही किसान गरीबी के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में आंदोलनरत है, कांग्रेस पार्टी का यह मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में किसानों के भारत बंद का निःशर्त समर्थन किया है। कांग्रेस जन किसानों के इस भारत बंद आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के 8 युवा 1 से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत से शामिल होने वाले दल का हिस्सा होंगे। युवाओं ने बेलतारा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने भीतर देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की महक भी लेकर जाएं, ताकि रूस के लोग हमारे प्रदेश के बारे में और अधिक जानें और यहाँ आने के लिए उत्सुक हों। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर पारित हुए संकल्प पर खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने विपक्ष का भी धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद। सिर्फ संस्कृत ही नहीं वरन संस्कृत के अन्य विषय हैं और भी जो तुलनात्मक धर्म दर्शन के विषय हैं उनको समाहित करते हुए
एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ में इस विश्वविद्यालय के आने से जो दुनिया में लहर है सनातन के बारे में जानने की और जो लोग अपने संस्कृति से कट रहे हैं वो गैप फिलिंग होगी और सनातन के अध्ययन को एक नई दिशा छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी। इसके लिए मैं विष्णुदेव सरकार को और विशेष तौर पे बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के 2 महीनों के कार्यकाल पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बाघों की मौत पर जांच नहीं बिठाती। हाँ, पूर्व की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाओं को बंद करा के जांच का मीडिया के माध्यम से प्रचार करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जाँच की घोषणा तो कर देती है लेकिन समय सीमा नहीं बताती है। कि आजकल विधानसभा में देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग विधायक प्रश्न करते हैं, मीडिया में छपता है कि मंत्री जी घिरे, लेकिन सब ये नूरा कुश्ती है। कल नेता प्रतिपक्ष ने बाघ के मृत्यु पर उन्होंने प्रश्न किया, उसमें जांच की घोषणा नहीं की गई, लेकिन आजकल होर्डिंग में तो पीएससी की जांच की घोषणा की गई, सीबीआई को सौंपा गया। ये जितने जांच हैं, चाहे वो पीएससी की जांच हो, चाहे आप रीपा की जांच हो, चाहे और कोई भी जांच, चाहे खाद्य विभाग की जांच की घोषणा आपने की, पहले भी एफआईआर था, रिकवरी भी हुई, अब उसके बाद उसको जांच कर टाइम बताएंगे, लोकसभा चुनाव पहले आ जाएगा कि केवल पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए आप रोज मीडिया में आए, ये जांच हो रहा है, वो जांच हो रहा है, राजीव अमितान क्लब की जांच कर रहे हैं, तो गौठान की जांच कर रहे हैं, उसकी अभी घोषणा शायद नहीं हुई, गौठान की बचा है, अभी और होगा। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित है। इस अधिवेशन में सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी भाजपा विधायक इसमें शामिल होंगे। इस अधिवेशन को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में 19 तारीख को कार्रवाई स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन है जिसमें छत्तीसगढ़ से सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और जिला के अध्यक्षगण सभी जा रहे हैं। 2 दिन का अधिवेशन दिल्ली में होगा। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से विशेषज्ञों की नियुक्ति की मांग की। विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि सिकल सेल बीमारी के इलाज के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज में यूनिट है लेकिन विशेषज्ञ नहीं है, अतः वहाँ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। रायपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल का यूनिट है पर वहाँ उस विभाग में विशेषज्ञ नहीं है, तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन किया है कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करें ताकि सिकल सेल में होने वाली जो असुविधाएं हैं उसकी पूर्ति किया जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में डिग्री हासिल करने वाले 246 MBBS और 21 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई, जिसमें 50% नियुक्तियां बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 5000 से ज्यादा भर्तियां PSC और व्यापम के जरिए होंगी। PSC में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हम PSC में भी जितनी उनकी पोस्टिंग है उसका 80% तक हम 4 महीने के अंदर भर लेंगे। हमारे आने वाले समय में एक नया बैच आ रहा है जिससे 500-600 डॉक्टर हमको अप्रैल माह में मिलने की संभावना है और चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होते ही उन डॉक्टरों की नियुक्ति हम 15 दिवस के अंदर करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक। रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।